आप नवरात्रि में इसका पाठ कर सकते हैं 9 दिन तक, तो ये नवचंडी पाठ होगा, हिंदी में कर सकते हैं। तो हिंदी में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है मैंने वेबसाइट पे डाल दिया, swamirupeshwarana.in वेबसाइट है, उसमें दुर्गा सप्तशती हिंदी में, उसमें सब डाउनलोड कर सकते हैं। गीता प्रेस की पुस्तक भी आती है। अब इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना, इसके विधान क्या है, शास्त्रीय विधान क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। चूँकि अब दुर्गा सप्तशती जी की पुस्तिका है गीता प्रेस की, तो इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है अतिरिक्त कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये दुर्गा सप्तशती का ही भाग है। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आया था और वो कहने लगा कि स्वामी जी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, रोज़ दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, मुझसे तो भाई, हमसे तो हो ही नहीं पाता है। तो कितना समय लगता है, कहते हैं 10-15 मिनट लगते हैं। तो मैं चक्कर में पड़ गया कि ये 10-15 मिनट में दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ लेता है। तो बाद में पता चला कि वो कवच, अर्गला और कीलक पढ़ता है। तो कवच और अर्गला कीलक को ही वो दुर्गा सप्तशती समझ रहा था, लेकिन दुर्गा सप्तशती ये नहीं है। दुर्गा सप्तशती कौन सी है, जो प्रथम अध्याय से जो आरंभ होता है, मधु और कैटभ का वध का जो प्रसंग आरंभ होता है, प्रथम चरित से ब्रह्मा ऋषि, यहाँ से जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे जो 13 अध्याय है, इन 13 अध्यायों को पढ़ना, इसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के अंग कौन से हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 6 अंग होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, दुर्गा सप्तशती के 6 अंग होते हैं। तो मुख्य 3 अंग कौन से हैं, कवच, अर्गला और कीलक। ये दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले पढ़ना पड़ता है। और दुर्गा सप्तशती का जब पाठ पूरा हो जाता है तो 3 प्रकार के इसमें रहस्य होते हैं, प्रादानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। तो ये 3 रहस्य को पढ़ने, ये 3 अंग ये हो गए, और कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 अंग कुल मिला के हो गए 6 अंग। तो 6 अंगों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ता है। अब इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में जैसे वेदोक्त देवी सूक्तम लिखा हुआ है, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 2-3 शब्द आया है, वेदोक्त तंत्रोक्त, ये लिखा हुआ है वेदोक्त देवी सूक्तम तंत्रोक्त देवी सूक्तम। तो मैं जैसे भी बताता हूँ कि पूजा के 3 प्रकार होते हैं, वेदोक्त, तंत्रोक्त और पुराणोक्त। तो वेदों में वेद के जो ऋचाएँ होती है, वेद के जो मंत्र होते हैं, वो वैदिक भाषा में होते हैं, वैदिक संस्कृत में होते हैं, तो उसको वैदिक स्वर के साथ ही उसको पढ़ा जाता है। और जो ये तांत्रोक्त होते हैं, पुराणोक्त होते हैं, ये प्राकृत संस्कृत में होता है, यानी सामान्य संस्कृत में जो हम लोगों को पढ़ने में आता है और समझ में आता है। तो जो वैदिक वेद पाठी होते हैं वही लोग वैदिक पद्धति से पूजन करें। और अधिकांश हुआ क्या है, हमारे साथ बड़ा सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा कह सकते हैं छल हुआ, षड्यंत्र हुआ, क्या हुआ मुझे, मैं तो कह नहीं पाऊँगा, लेकिन हम लोगों को अपने मार्ग से भटकाने का पूर्ण प्रयत्न हुआ है, अधिकांश इन किताबों के माध्यम से तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। इतने इतने विभिन्न प्रकार के प्रकाशन हैं। और किताबें क्या है, एक एक होता है लेखक और दूसरा होता है प्रकाशक। तो प्रकाशक प्रकाशक अपनी किताबें छाप देता है, वो कहता है कि भैया इसमें जो छापा है उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो लेखक की जिम्मेदारी है। और लेखक कहता है भैया हमने, वो लेखक को कौन पूछता है, हम लोग तो गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे अभी नित्यकर्मा पूजा प्रकाश है, तो इसके लेखक है पंडित लाल बिहारी मिश्र। अब तो इसमें जो सही लिखा के गलत लिखा इसका तो भाई उन्होंने छाप दिया, तो इसमें और अब वो उसके जिम्मेदार कौन हुआ अपने, वो पंडित जी हो गए। तो पंडित जी अगर एक गड़बड़ी लिख देते हैं, कुछ उनके दिमाग उनकी द्वारा कोई भूल चूक त्रुटि हो जाती है, तो वो प्रकाशक उसकी तरफ ध्यान देता नहीं और वो वैसे ही छाप देता है और समाज में प्रचलित होता है। तो इसमें समस्या कहाँ उत्पन्न हुई, समस्या यहाँ उत्पन्न हुई कि जब हम लोग वेदोक्त पूजन करते हैं, जैसे अपने रुद्री अष्टाध्याय जब पढ़ते हैं तो वो वेदोक्त पूजन होता है, उसमें पूर्ण रूप से वैदिक उसमें ऋचाएँ होती, वैदिक मंत्र होते हैं। शालिग्राम का वैदिक पद्धति से पूजन करेंगे तो आप पुरुष सूक्त से पाठ उनका उसमें सारे षोडश उपचार पूजन होगा उनका, और पौराणोक्त करेंगे तो उसके मंत्र अलग होंगे, साधारण मंत्र जैसे सब अन्य मंत्र होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो तांत्रिक पद्धति में जैसे
अब जैसे सब पौराणिक रूप से हम लोग आचमन करेंगे, तो हमारा इष्ट यदि भगवान विष्णु है तो हम कहेंगे विष्णुवे नमः, उसमें और किश्वाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, माधवाय नमः, इस तरीके से तीन आचमन हम लोग लेंगे और चौथा आचमन जल छोड़ देंगे। तो ये हो गया पौराणिक पद्धति से आचमन लेना। लेकिन जब तांत्रिक पद्धति से लेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई उसमें जैसे अगर बगल जैसे कोई रिम आत्मतत्व शोधयामी नमः स्वाहा, एक वहाँ पर आत्मतत्व शोधयामी बोलेंगे, प्राण तत्व शोधयामी नमः स्वाहा, शिव तत्व शोधयामी नमः स्वाहा, उसकी आचमन पद्धति अलग होगी। और यदि हम लोग देवी की उपासना करें तो देवी के नाम से करेंगे। लेकिन लोगों क्या है कि आचमन जब करेंगे ना, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, बस वही उनका एक ही जगह पे सब जगह, चाहे देवी की पूजा करें चाहे देवता की पूजा करें। तो इस तरीके से ये पूजन की खिचड़ी जो है आपको किताबों में देखने को मिलेगी। और परिणाम क्या होता है कि अब जैसे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में अभी पुस्तक पढ़ेंगे आप, गीता प्रेस चूँकि प्रमाणित इतना बड़ा धार्मिक क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन यदि उस पर शास्त्रार्थ हो, यदि उस पर चर्चा हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से मैं 70% जो है इसमें त्रुटियाँ इसमें निकल जाएगी। और फिर हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको देवी कवच के बारे में मैंने बताया कि देखो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ नमस्तेस्तु महारौद्र से शुरू होता है और जयंती पापनाशिनी पर एक देवी कवच का पाठ हो गया। आप इसके 1100 पाठ कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग इस तरह से जहाँ लिखा हुआ है उसकी महिमा भी पढ़ेंगे, उसकी भूमिका भी पढ़ेंगे, तो फिर तो भाई उसके तो न जाने कितने अभी इसमें दिए हुए हैं देवी कवच का। देखिए इसमें लगभग लगभग 56 इसमें श्लोक है। तो यदि जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं बेचारे को कि देवी कवच कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है, तो पूरे वो 56 श्लोक पड़ेगा। अब मैं उससे कहूँगा कि 1100 पाठ करेगा तो उसको तो चक्कर ही आ जाएगा सुनकर कि 1100 पाठ इसमें कैसे पूरा होगा वो। लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं बस इसमें से 16वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक पढ़ना है, तो कितने बस हो गया लगभग लगभग इसमें मुझे लगता है कि 25-30 इसमें श्लोक आ गए, तो ये तो 1100 पढ़ लेगा कोई भी व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी प्रकार से बहुत सारी जगह जगहों पे त्रुटियाँ हुई है और ख़ास करके गीता प्रेस ने तो खूब त्रुटियाँ की है इस मामले में। कभी इन लोगों से मेरा आमना सामना अब हुआ भी नहीं है। और पहली जो परंपरा थी शास्त्रार्थ परंपरा, वो परंपरा रही नहीं। ईसाई धर्म में जैसे कोई पोप होता है तो वो जो तय करता है वहाँ सब लोग बैठते हैं, वो निर्णय लेते हैं और फिर वो एक, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। विभिन्न संप्रदाय बने हुए हैं, वो अपनी अपनी परंपरा है। शंकराचार्य अलग है, रामानंदाचार्य अलग है, राम भद्राचार्य अलग है, रामानुजाचार्य अलग है, उनका सबका अलग अलग चलता रहता है। तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। तो हम यहाँ पर दुर्गा सप्तशती पाठ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये दुर्गा सप्तशती पाठ करोगे तो केवल तीन अंग हो गए, कवच का, अर्गला और कीलक पढ़ना है, और फिर अंत में मूर्ति रहस्य। उसके उसके बाद क्या है कि उस नवारण मंत्र पढ़िए एक माला। जैसे पहले शुरुआत में जब आरंभ होगा तो आप पहले तो षटकर्म करोगे, जैसे भी माता जी की स्थापना वगैरह करने के बाद षटकर्म में क्या आता है, पवित्रीकरण है, आचमन है, तिलक है, शिखावंदन है, प्राणायाम है, तो इस तरीके से, और न्यास है। तो ये सारी चीज़ें जो हो और आसन शुद्धि हो गई, उसके बाद आप चाहे तो दिग्बंधन वगैरह आता हो तो वो कर सकते हैं ना, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि कवच में दिग्बंधन आ जाता है। अब उसके बाद आप कवच पढ़िए, अर्गला पढ़िए और किलक पढ़िए। उसके बाद आप उसका जो नवारण मंत्र पढ़िए या अष्टाक्षरी मंत्र पढ़िए दुर्गा जी का, एक माला उसकी कर लीजिए, फिर आप दुर्गा जी के 13 पाठ कर लीजिए, फिर उसके बाद नवारण मंत्र, और फिर उसके बाद तीन मूर्ति रहस्य और अंत में क्षमा प्रार्थना, और हो गए पूर्ण पाठ पूरा। अब आप इसमें दुर्गा जी के सतनाम पढ़ना शुरू करेंगे, दुर्गा जी का फिर अष्टोत्तर सतनाम भी पढ़ेंगे, उसमें तंत्रोक्त सूक्त भी पढ़ेंगे, वेदोक्त सूक्त पढ़ेंगे, देवी अथर्व शीर्ष पढ़ेंगे, फिर मानस पूजा पढ़ेंगे, फिर 32 नाम पढ़ेंगे, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ेंगे। तो इसका ये सारे जो विषय हैं ये दुर्गा सप्तशती में किताब में छाप दिए हैं, लेकिन ये इसका दुर्गा सप्तशती से के साथ कोई संबंध नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग है, अर्गला जैसे कवच, अर्गला और किलक और तीन मूर्ति रहस्य।
प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य, ये तीन रहस्य हो गए। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है जो थोड़ी महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को बताता हूँ, और वो है कि दुर्गा जी का जो ये मन जो पाठ है, ये कहते हैं कि इसको श्राप लगा हुआ है, शाप लगा हुआ है, जैसे कि कोई ऋषि मुनि या देवी देवता जैसे इसका कोई दुरुपयोग न करे तो उसको शापित कर देते हैं। तो इसमें इसी पुस्तिका में दो तीन जगह पे लिखा हुआ है, तो पहले क्या करना है, शापोद्धार करना है, उत्कीलन करना है और मृत संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ना है। अब इसमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शापोद्धार की पद्धति लिखी होती है, इसमें दो तीन ग्रंथों के बारे में लिखा है, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे शापोद्धार मंत्र पढ़ना है इसमें, तो इसमें लिखा है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देवे शाप नाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। अब इस मंत्र का 7 बार पढ़ लिया मंत्र, बस हो गया। और उसके बाद उत्कीलन मंत्र दिया हुआ है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ह्रीम सप्त सती चंडी के उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा, इसको 7 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद मृत संजीवनी विद्या लिखी हुई है, ओम ह्रीम ह्रीम वोम ओम ऐ मृत संजीवनी विद्या मृतम उत्तापय उत्तापय क्रीम ह्रीम ह्रीम रोम स्वाहा, ये इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए 3-7 बार, हो गया। मृत संजीवनी विद्या की जगह आप इसको महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं, चूँकि वो भी मृत संजीवनी विद्या है। अब मारीच कल्प के अनुसार कुछ और मंत्र दिया हुआ है, तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, या तो आप मारीच कल्प से करिए, या आप रुद्रयामल तंत्र की पद्धति से इसका साफ विमोचन करिए, या किसी अन्य ग्रंथों के माध्यम से करिए, तो जो विधान है उसके अनुसार आप कोई भी एक पद्धति से इसका शापोद्धार कर सकते हैं। उसमें फिर बहुत सारे बातें आती हैं कि नहीं फिर इधर जाएं, ये पहले पढ़ना है कि वो उधर पढ़ना है। तो होता क्या है कि पाठ का जो मूल भाग है, जहाँ भगवती ने जैसे कल बताया था 12वें अध्याय में, कि जो माँ भगवती कहते हैं कि जो ये मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे या उसका श्रवण करेंगे, ये मुख्य है, पाठ करना और उसको सुनना। अच्छा, श्रवण करोगे संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अब जैसे मैं कह दूँ मधुकैटभ नाशम च महिषासुर घातनम कीर्त इंशंतिते तद्वद वदम शुंभ निशुंभ यो हो। अब तो ये तो हम लोगों को जो मैं संस्कृत में पढ़े तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो माता जी क्या कह रही है, पर जिन लोगों को संस्कृत का अर्थ समझ में नहीं आता है उनको तो लगेगा बस वो तो चुपचाप जैसे कान में शब्द जा रहे वैसे जा रहे, उनको तो पता ही नहीं समझ में आएगा कि नहीं ये क्या पढ़ रहा है। जैसे कि जिसको अंग्रेजी नहीं आता हो, कोई अंग्रेजी में बोल रहा हो तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वैसे ही समझ में आएगा। तो फिर आप श्रवण करने का लाभ क्या हुआ, श्रवण करने का लाभ तब होगा जब आप उसको उस जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ रहे हो कि नहीं हम क्या सुन रहे हैं। तो इसीलिए इसको हिंदी में पढ़ने का जो महात्म्य है, चूँकि ये पुराण के अंतर्गत ये ग्रंथ हैं, इसलिए इसको श्रवण करने की महिमा इसमें ज़्यादा दी हुई है, तो इसको आप हिंदी में ही पढ़े तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, जैसे हम लोग भागवत महापुराण आदि पढ़ते हैं उस प्रकार से। तो आपको इसी पद्धति से पढ़ना है आचमन में, जैसे आप इसमें अब देखिए इसमें आचमन का पद्धति दी हुई है, तो इसमें ओम केशवाय नमः माधवाय नमः ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें जैसे इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है कि आत्मतत्व शोधयामि नमः स्वाहा, शिव तत्व शोधयामि नमः स्वाहा, इस प्रकार से इन लोगों ने विधान इसमें लिखा हुआ है। तो आप उसी हिसाब से आचमन आदि प्रक्रिया, जैसे जो कि तांत्रिकत पद्धति से है, इसमें दिया पाठ विधि में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको शिखा बांधनी है, फिर आपको आचमन करना है। तो ऐम आत्मतत्व शोधयामि नमः स्वाहा, ह्रीम विद्या तत्व शोधयामि नमः स्वाहा, क्लीम शिव तत्व शोधयामि नमः स्वाहा, इसमें ओम लगाना चाहिए, ओम हो गया। अब ये पवित्रेस्तो वैष्णव्य जो ये मंत्र आते हैं, इसे कुश की पवित्री पढ़नी धारण करनी चाहिए। तो अब ये तो वैदिक श्लोक हो गया, वैदिक मंत्र हो गया, तो ये फिर इसमें गलत चीज़ आ गई है। उसके बाद आप जैसे आचमन में हो गया तिलक हो गया, शिखा बंधन हो गया और प्राणायाम हो गया और आसन शुद्धि हो गई। आसन शुद्धि में छोटा सा एक मंत्र होता है भाई, पृथ्वी जो पृथ्वी माता को प्रणाम करना होता है, ओम पृथ्वी त्वया धुता लोका देवितम विष्णुना धुर्दत्तम च धारयामि देवी पवित्रम कुरुचासनम, इतना बोल के जल छोड़ के प्रणाम कर लो, हो गया आसन शुद्धि। अब उसमें आसन शुद्धि के इसमें आप वैदिक पद्धति से करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के
विनियोग दिए हुए हैं, फिर उसका न्यास दिए हुए हैं, आप बहुत चक्कर में पड़ जाओगे। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि ये सब चीज़ें करें। और वो वैदिक पद्धति से हुआ, वैदिक पद्धति का अलग है। जैसे अगर हम वैदिक पद्धति से देवी की उपासना करेंगे तो देवी सूक्त का पाठ करेंगे, वेदोक्त पद्धति के उनके जो स्तुति स्तोत्र है उसका हम लोग उसके द्वारा उनका अभिषेक करेंगे आदि, ये सब आएगा। ये जो दुर्गा सप्तशती हैं ये पुराणोक्त पद्धति से हैं, तो इसलिए हम लोग इसको तांत्रोक्त पद्धति से या पुराणोक्त पद्धति से ही इसका पाठ करेंगे। अब आता है संकल्प। संकल्प में इतना लंबा सारा लिखा हुआ है, जिसको संस्कृत में आता है वो संस्कृत में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना नाम लीजिए कि मैं फलाना नाम का साधक फलाने गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं स्थान पर माँ भगवती की उपासना करने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से मैं उनकी 9 दिन तक प्रतिदिन एक पाठ करने का संकल्प करता हूँ। इस प्रकार से मैं माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए, अपने घर परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि शांति धन आदि प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। इतना बोलकर अपना हिसाब से कागज़ पर लिख लीजिए और जल छोड़ दीजिए। उसके बाद सापोद्धरा दीजिए, 7-7 बार इसको बोल दीजिए। उसके बाद आप अपना कवच पढ़िए। कवच में क्या है, कुछ लोग कहते हैं दिग्बंधन, दिग्बंधन तो भी होना चाहिए इसमें, तो मैं आपको दिग्बंधन बताता हूँ। अभी आप लोगों को जब मैं समझाऊँगा ना तो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं इसमें कितना बड़ा रहस्य है। ये रहस्य वैसे बताने नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि सार्वजनिक इसको करना आवश्यक हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कवच में दिग्बंधन कहाँ है। दिग्बंधन का मतलब क्या होता है, दिक् माने दिशा, दसों दिशा, दसों दिशा है। लोग बोलेंगे गुरु जी तो चार ही दिशा होती है, चार दिशा तो ये हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चार दिशा होती है नैऋत्य आग्नेय जिसमें आदि जो चार अन्य होती है, और एक दिशा हो गई ऊपर की जिसको ऊर्ध्व कहते हैं, और एक हो गई नीचे की जिसको अध कहते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पर दसों दिशाओं को कैसे दिग्बंधन हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ 16वें श्लोक से देवी कवच को, नमस्तेस्तु महारौद्रे महागौर पराक्रमे महाबले महोत्साह महाभय विनाशिनी, ये तो हो गई प्रार्थनी। त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रुनाम भयवर्धिनी, यहाँ तक तो अब उनकी हो गई प्रार्थना कि भाई हमको ऐसे का प्रार्थना हो गया। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्रिय, प्राच्या किसको बोलते हैं, प्राच्या माने पूर्व दिशा को, एक दिशा हो गई। अग्नियाम अग्नि देवता, दो दिशा हो गई। दक्षिणे वतु वाराही, तीन दिशा हो गई। नैऋत्याम खड्गधारिणी, चार दिशा हो गई। प्रतिश्याम वारुणी रक्षेत, पश्चिम दिशा हो गई। वायव्याम मृगधारिणी, ये हो गया। उदिच्याम कौमारी, ईशान्याम शूलधारिणी, और ऊर्ध्वम ब्रह्माणी रक्षित अधस्त अध, इसमें रक्षित को आधा मतलब इसमें विच्छित करना है, अधस्ताद वैष्णवी तथा एवं दसो दिशे रक्षित, कितने दिशाओं को रक्षित, चामुंडा शववाहिनी, ये हो गया दिग्बंधन। तो यदि आपको दिग्बंधन करना है तो केवल यहाँ से प्राच्यम रक्षित मामेन्द्र से लेकर चामुंडा शववाहना तक ये दिग्बंधन हो गया, और फिर यहाँ से कवच शुरू होता है। जया में चाग्रत पातो, मेरे आगे जया जो है मेरे आगे मेरी रक्षा करे, आगे की ओर से मेरी रक्षा करे। विजया पातो पृष्ठतः, विजया नाम की जो शक्ति भगवती की है वो मेरे पीछे से रक्षा करे। यहाँ से आपका कवच आरंभ हो गया। तो अब आपको मैंने जो गुड़ रहस्य हैं वो आपको मैंने समझा दिया। पहला रहस्य ये है कि देवी कवच का पाठ यहाँ से करते हैं। दूसरा रहस्य ये है कि ये दिग्बंधन हो गया तो आपको अलग से पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ ध्वज ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवी की अगर उपासना कर रहे हैं तो देवी के मंत्रों के द्वारा देवी देवी शक्ति देवी की जो शक्तियाँ हैं 10 शक्तियाँ हैं उन्हीं के द्वारा आपको दिग्बंधन करना पड़ेगा। तो देवी कवच का जो पाठ करते हैं वो दिग्बंधन हो जाता है। और जब आप कवच पढ़ रहे हैं पूरा तो उसमें आसन की रक्षा आ गई, तो इसलिए अलग से आपको आसन दिग्बंधन करना, आसन बांधने की आवश्यकता और शरीर बांधने की आवश्यकता नहीं है। जो कवच पढ़ते हैं वो शरीर को ही तो बांधते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे कटी भाग में भगवती रक्षा करे, विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, तो ये सब क्या है, रक्षाहीनम तु यतस्थानम वर्जितम कवच कवचे न तु। यदि इस कवच में ऐसा कोई स्थान बचा हो जिसका उल्लेख नहीं हुआ हो तो वहाँ पर तत्सर्वम रक्ष में देवी, वहाँ पर जयंती पापनाशिनी है, जयंती नाम की देवी, फिर वहाँ रक्षा करिए। जो कवच में लिखा है वहाँ तो अलग अलग देवी देवताओं को बैठा दिया कि भाई यहाँ यहाँ मेरी रक्षा करें। यदि कोई जगह छूट गई हो
तो ये कवच हो गया, बस यहाँ तक हो गया। अब पदम एकम न गच्छेत, गच्छेत तो यहाँ से जो शुरू होता है वो तो देवी के जो कवच है इसकी महिमा है, यही कवच का रहस्य है जो अभी तक बहुत कम लोगों को, न तो कोई समझा पाता है इस विषय में, न अब तक समझाने का किसी ने प्रयत्न किया। सब लोगों को है अभी ऐसे, अभी मैं इस तरीके से यदि मैं एक एक रहस्य यदि बताने लग जाऊं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि हम लोग कितना गलत चीज़ें किताबों में, बस किताब उठाई बाजार से आए किताब पढ़ना शुरू कर दिए बस। इसीलिए जब मैंने ये प्रयत्न किया कि लोगों को मैं साधना और उपासनाओं का जो ज्ञान देना शुरू करूं, तो मैंने चूंकि मेरा अपना जीवन पूरा इसमें लगा हुआ है और कुछ कृपा ऐसी है ऋषि मुनियों की, संतों की, गुरुजनों की, कि जो मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया जो आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो मुझे ये लगा कि जो वास्तव में कल्याणकारी चीज़ें हैं जो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार है, जैसे मैंने दुर्गा जी के 32 नाम के विषय में आपको मैंने वीडियो भी बनाया, लोगों को बार बार मैंने समझाया, तो आप उसमें देखना दुर्गा जी के जो 32 नाम के पाठ की महिमा, मैं अलग से अपनी ओर से बना के नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैं बजरंग बाण के विषय में बताता हूँ तो बजरंग बाण की जो महिमा है ये मेरा अपना निजी अनुभव है, भक्तों का, अनेक लोगों का अनुभव है, वो तो है ही है, लेकिन उसमें बजरंग बाण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। अब कुछ लोगों को ये तर्क उठता है उनके दिमाग में, चूंकि उनकी, अब उनको मैं क्या कहूँ, उनकी बुद्धि वैसी है तो वह उनको कैसे समझाए ये सब चीज़ें, वो समझने की स्थिति में ही नहीं है। तो कभी उसमें तो ये बजरंग बाण पढ़ने से किसी की हानि होगी ये तो बजरंग बाण में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन रक्षा होगी, प्राणों से रक्षा होगी उसमें लिखा हुआ है। और मैं इतने वर्षों से पढ़ रहा हूँ, अनेक भक्त पढ़ रहे, कभी हनुमान जी आकर मेरे से इतने बोले कि रूपेश्वरानंद तुम पढ़ रहे हो तो इसमें भगवान राम की तुम शपथ दे रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो, मत पढ़ो, ऐसा तो कभी हनुमान जी ने मुझे बताने कभी आए नहीं। और जब बल्कि ये हुआ है कि जब से मैं पढ़ रहा हूँ वैसे, तब से तो उनकी मुझे सतत उस दिन से आज तक मुझे उनकी कृपा प्राप्त है। और मेरा अपना अनुभव ऐसा नहीं, हजारों लाखों लोगों का लाभ हो रहा है, तो कहीं जाकर वो चर्चों में जाकर जल छिड़कवा रहे हैं, कहीं जाकर धर्मांतरण कर रहे हैं, कहीं जाकर दरगाहों में अपना झाड़ फूक करवा रहे हैं, उससे अच्छा नहीं कि बजरंग बाण पढ़ के कोई अपना समस्या का समाधान कर ले। और यदि किसी का भला हो रहा है तो उनका भला देख कर कुछ लोगों को कष्ट क्यों होना चाहिए। और वे और लोग नहीं है, वे सनातन ही के से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो अपने धर्म के शत्रु अपने ही लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। ऐसे ही किताबों के मामले में, धर्मशास्त्रों के मामले में भी हुआ, विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों में यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें वहाँ छापना शुरू कर दिए। अधिकांश लोगों को पता नहीं, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जब बाजार से खरीद के लेकर आएंगे तो बेचारा जब कोई भी व्यक्ति पन्ना खोलेगा तो उसको ये दिखेगा दुर्गा सप्तश्लोकी, तो उसको लगेगा कि दुर्गा जी जो सप्तशती है वो यही है, वो इसी को दुर्गा सप्तशती मान लेगा, फिर होगा दुर्गा अष्टक पढ़ने लग जाएगा, कवच पढ़ेगा, कीलक पढ़ेगा, अरगला पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि बस अब तो हम तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने लग गए। जैसे आजकल कुछ लोगों को दो चार आसन आ जाते तो उनको लगता है कि हम तो बस योगी हो गए, अब चित्तवृत्ति निरोध हो गया, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम हो गए हम लोग, तो इस तरीके से भ्रम में जो हम लोग रहते हैं, जो मूल चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों को मूल चीज़ें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे देवी देवी अथर्वशीर्षम है, ये पूरी तरीके से वैदिक उपासना है। देवी अथर्वशीर्ष जो है ये साधारण लोग नहीं इसको उच्चारण कर सकते हैं, इसका वैदिक उच्चारण होता है। इसके लिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो तीन प्रकार के स्वर होते हैं और छह प्रकार के जो छंद होते हैं, उन छंदों में इनको पढ़ा जाता है, और छंदों में नहीं पढ़ेंगे तो ये पूरी तरीके से अशुद्ध माना जाता है। इसमें एक रहस्य होता है देवी अथर्वशीर्षम। तो कुछ महानुभाव और बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे लोग टीवी पर आकर समझाते इस विषय में, जिनको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों को जब मैं इस प्रकार की चीज़ों को लोगों को समझाते हुए कि नहीं इसको पढ़ो, तो बेचारा जो अभी संस्कृत का ढंग का एक श्लोक नहीं पढ़ सकता है, उसको आप वेदोक्त देवी अथर्वशीर्षम पढ़ने के लिए कहते हो, तो मुझे कभी कभी लगता है कि इन लोगों का क्या, इनका कहाँ इलाज करना चाहिए। तो चलिए एक थोड़ा सा मेरे मन में कभी कभी ये सब चीज़ें सुनता हूँ तो आक्रोश तो आएगा ही स्वाभाविक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इससे लोगों का, समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है।
आप दुर्गा जी के सरल 32 नाम होते हैं, कोई भी आराम से पढ़ लेगा। दुर्गा जी के सतनाम होते हैं, उसको आराम से पढ़ लेगा। 12 नाम होते हैं, हनुमान जी के 12 नाम हैं, गणेश जी के 12 नाम हैं। ये सरल चीज़ें हैं और ये प्रभावशाली उपासना पद्धतियाँ होती, इनका बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन उनको किसी को श्री सूक्तम पढ़ने को कहा जाता है, देवी श्री सूक्तम में जो भी वैसा ही है, श्री सूक्तम का अगर कोई ढंग से पाठ न करे तो अधिकांश उन लोगों को स्वर का थोड़ा सा भी इधर उधर एक शब्द हो गया तो अलक्ष्मीम नाशयाम में हम की जगह लक्ष्मीम नाशयाम में हम पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ऐसा भी स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। और फिर स्वर का अपना एक महत्व होता है, मंत्र का जब छंद ही नहीं है तो फिर उसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसे आप संगीत है, कोई भी गीत है, जैसे जन गण मन अधिनायक भी अगर हम लोग पढ़े तो इसका भी एक नियम है कि नहीं आपको 52 सेकंड में ही पढ़ना है। आप यदि 51 या 53 सेकंड लगा देते हैं तो अशुद्ध माना जाता है, वो एक प्रकार से आप दोषपूर्ण माना जाए, दोष माना जाएगा। तो स्वरों का, जैसे कोई भी गीत है, संगीत है, उसको जब तक आप स्वर में, उसके ताल में, लय में यदि नहीं पढ़ेंगे तो वो संगीत हमको को बेकार है, कोई मतलब का नहीं है वो। ऐसे ही मंत्र और श्लोकों के स्वर होते हैं। जैसे अब आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ेंगे तो इसके भी, जैसे ये साधारण, एक तो ये साधारण श्लोक हो गया जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कि जैसे महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थम सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी, तो ये इस प्रकार से ये साधारण श्लोक हो गया। परंतु जब हमें देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध यदि इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, तो उसका फिर यहाँ पे छंद बदल जाएगा। वहाँ पर देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, तो यहाँ पर उसका स्वर बदल गया। तो इस प्रकार से उसको, ये संस्कृत के नियम होते हैं, अधिकांश लोगों को ये चीज़ होता नहीं तो वो लोग पढ़ने लगते हैं। जैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ना है तो जय हनुमान गाने कर सागर जय कभी सती, उन लोगों को जाकर ऐसा पढ़ेंगे जैसे उनके पीछे कोई बंदूक लेके खड़ा है कि जल्दी जल्दी पढ़ दें तो खोपड़ी में गोली डाल दूंगा मैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको डरा रहा है, धमका रहा है। और इस तरीके से हम लोग जो है उसको, जबकि जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे तो आपको बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, ये जो भाव से आप पढ़ते हैं तो आप उसको ठीक से नहीं पढ़ सकते कि जय हनुमान ज्ञान, विस्तृत भाव से जो भी आपको बोलना हो, आपके मन में भाव उठना चाहिए, आपके मन में उनके प्रति ऐसा लगना चाहिए कि हम वाकई में परम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को जल्दी हो और अपना कोरम पूरा कर रहा हो, या कोई उसको कह रहा है कि जल्दी पढ़ तो वो डर के मारे फट अपना पढ़ के जो है तुरंत ही भाग रहा हो, ऐसे लग रहा है जैसे न जाने उसके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर और टेंशन रहता है, वो टेंशन को उतार के तुरंत भागता है वो। तो जिस इस भाव से यदि आप करेंगे प्रेशर में, तनाव में, और इस तो आप यथा भाव तथा फल, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। तो ये जो हमारे धर्मशास्त्र के नियम है उस हिसाब से हमें करना पड़ता है।